हाँ गुरुजी। प्रणाम गुरु जी खुश रहिए गुरु जी मैं लड़की के लिए आई हूँ फोटो है हाँ जी अच्छा तो क्या हो गया लड़की का आपकी लड़की गुरु जी नौकरी करती थी और कुछ ऐसे कुछ मैंने बात सुना था मैंने कुछ बोल दिया उसके वजह से घर वहाँ से छोड़ के चली गई बाहर अब मैंने बुलाने को बहुत कोशिश करी तो कह रही मैं नहीं आऊँगी फोटो देखो ओम। नफरत माता पिता दोनों से इस साथ में बिल्कुल बेटा नहीं रहना चाहती और जहाँ पर है वो अपने वहाँ बहुत अच्छा फील कर रही है कि हम बहुत अच्छे हैं यहाँ पे बाबा वहाँ किसी लड़के के साथ में रह रही है अरे हाँ किसी के साथ रह रही है हम तुम किताब लगी खोलने पन्ना मोटी मोटी बात कर रही नहीं समझ में आ रही कि जहाँ है वो अपने को खुश फील कर रही है, हम खुश हैं यहाँ गुरु जी उसको ऐसे करो कि वो आ जाए मेरे पास उसका क्यों आ जाए तुम्हारे पास तुम क्या करोगे उसका उसका दिमाग ही पलट गलत, गलत रास्ते पे जा रहे हैं बच्चे बच्चा तुम्हें लग रहा है गलत रास्ते पे है पहले किसी ने चलाया गलत रास्ते पे कौन जिम्मेदार है इसका मेरे साथ डरते नहीं है बाप कुछ बोलता वो नहीं है वो शादी कर चुकी है ठीक तो तलाक आएगी आएगी नहीं वो शादी कर चुकी है आएगी क्या नहीं पति के साथ आएगी महाराज जी उसको जो है इसका बदल दो क्या बदल दे तुम अच्छा उसको ला के क्या करोगी रखोगी की शादी करोगी महाराज जी मैं शादी कर देती अपने जात में कर दूंगी तो इज्जत बन जाएगी मेरी थोड़ी से जो अच्छा, कोई नहीं जानता अपनी इज्जत के लिए बच्चों को सूली चला दो अपनी इज्जत और बच्चे सूली चला दो कुछ भी करें अगर उसने कोई पसंद किया अच्छा किया शादी कर ली तो अब उसी को अच्छा करो अब उसमें ला करके दूसरे से करना वहाँ सुखी रहेगी क्या महाराज जी एकदम घर के पास का है एकदम सामने सामने का है लड़का अरे भाई सामने का है अब कही कहा है बेटा हम कह रहे हैं अब उसकी कहीं शादी करोगे अगर ला करके दूसरी जगह तो उनको पता रहेगा कि इसने ऐसे किया तो वहाँ सुखी रहेगी क्या जो आपके हाथ में आप, आप तो हो जाएगा कितना बेहोश है बेटा बच्चे को अब उसको सम्मान करो बच्चे को बुला के समझा के ठीक बेटा ऐसे ऐसे कर लिया चलो हम एक पार्टी देते थे सबको साथ रिश्तेदारों बुला लेते हैं कि बच्चे की इच्छा का सम्मान किया हमने अब तो समाज में यही है खुले है कुछ छुपा तो है नहीं हिंदू में की है ना हिंदू है हाँ तो ठीक है लड़का था, हम सुना रहे हैं। आप बताओ तुम्हारा तो कुल्ले सुधार दिया उसने आप लोग सुना रो ब्राह्मणों क्या चली गई शादी करके हैं तुम्हें तो और सम्मान करना चाहिए नहीं हां ये ठीक है तुम्हारी बुद्धि नहीं ठीक है इसको हम ठीक कर देते हैं आंखें बंद करो ओम इनकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ाई जाए और बंदी खोल दी जाए ओम शिव बैलेंस अपनी बेटी के प्रति इनके विचार सकारात्मक कर दिए जाए शिव तनाव नष्ट कर दिया जाए बैलेंस तीन बार बोलो निवा तो अब बेटी को अपने बुला के बात करोगी नहीं करोगी करोगे और जहाँ शादी की खुशी खुशी उसको करो विदा करो है ना महाराज जी मेरे शरीर में कहीं कहीं सुन पड़ जाता है अच्छे हो जाओगे तुम बिटिया की हम बात कर रहे हैं तो अब अच्छे से बात करोगे बिटिया से अब जहाँ गई वहाँ स्वीकार कर लोगी अब हाँ खुश रहो